नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं जीके का सेशन, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि नेवी एमआर में ऐसे ही सवाल हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो जाके आप लोग सारा प्रीवियस इसके पेपर को देख सकते हो, मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं, तो जाके आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन से कंपेयर कीजिएगा तो आपको मिलता जुलता नजर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग से यही बोलूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप लोग को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना है, ताकि जितने भी एमआर के कैंडिडेट्स होंगे वो लोग इसी माध्यम से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किस मुगल शासक के काल में हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट में बाबर, सेकंड में हुमायूं, थर्ड में अकबर और फोर्थ में औरंगजेब। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर, अकबर के काल में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। उसके बाद देख लीजिए टू नंबर प्रश्न में, तैमूर लंग के आक्रमण से भारत में किस शासन का अंत हुआ। ऑप्शन फर्स्ट में तुगलक वंश का, सेकेंड में लोधी वंश का, थर्ड में गुलाम वंश का और फोर्थ में मुगल साम्राज्य का। तो टू का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर, ठीक है, तुगलक वंश का। उसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर प्रश्न में, महाकवि कालिदास किस शासक के समकालीन थे। ऑप्शन फर्स्ट में चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड में चंद्रगुप्त फर्स्ट और थर्ड में चंद्रगुप्त सेकंड, फोर में हर्षवर्धन। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर, ठीक है, थर्ड का थर्ड हो जाएगा सही आंसर, चंद्रगुप्त सेकेंड। उसके बाद देख लीजिए फोर नंबर प्रश्न में, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी। ऑप्शन फर्स्ट में भगत सिंह को फांसी, सेकंड में बंगाल में अकाल, थर्ड में जालियांवाला बाग और फोर में है 1919 के एक्ट के विरोध में। तो फोर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर है, जालियांवाला बाग घटना के विरोध में वापस कर दी। उसके बाद देख लीजिए फाइव नंबर प्रश्न में, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन फर्स्ट में राष्ट्रीय चयन आयोग, सेकंड में केंद्रीय सतर्कता आयोग, थर्ड में है योजना आयोग और फोर में है राष्ट्रपति। तो फाइव का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर सही आंसर, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो ये प्रश्न इस बार एमआर में पूछा गया था, तो आप लोग इस टाइप की क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए सिक्स नंबर प्रश्न में, केंद्र सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है। तो सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर, अटॉर्नी जनरल। उसके बाद देख लीजिए सेवन नंबर प्रश्न में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेनावृत्ति होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में 60 वर्ष पर, सेकंड में 58 वर्ष पर, थर्ड में 62 वर्ष पर और फोर में 65 वर्ष पर। तो सेवन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर सही आंसर, 65 वर्ष पर। उसके बाद देख लीजिए एट नंबर प्रश्न में, श्वेत पत्र क्या है। ऑप्शन फर्स्ट में रिक्त चेक, सेकंड में करेंसी पेपर, थर्ड में कानूनी पेपर और फोर में किसी विषय विशेष पर सरकारी रिपोर्ट। तो एट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर सही आंसर हो जाएगा, किसी विषय विशेष पर सरकारी रिपोर्ट। उसके बाद देख लीजिए नाइन नंबर प्रश्न में, होमी जहांगीर भाभा थे। ऑप्शन फर्स्ट में परमाणु वैज्ञानिक, सेकंड में मिसाइल विशेषज्ञ, थर्ड में कृषि विशेषज्ञ और फोर में दुग्ध क्षेत्र से संबंध है। तो नाइन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा, होमी जहांगीर जो थे वो परमाणु वैज्ञानिक थे और इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1919 को हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। और जो इनका मृत्यु हुआ था 24 जनवरी 1966 को हुआ था, जो कि फ्रांस में, और फ्रांस में मिंट, ठीक है, मोंट ब्लॉक एक जगह है, ठीक है, मोंट करके एक जगह है, मोंट ब्लॉक ब्लांक एक जगह है, वहीं पे इनका मृत्यु हुआ था 1966 में। उसके बाद देख लीजिए टेन नंबर प्रश्न में, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट में पामीर, सेकंड में हानले खदाल में, थर्ड में साइबेरिया, फोर में इनमें से कोई नहीं। तो टेन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू सही आंसर, हानले में, जो कि लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद देख लीजिए इलेवन नंबर प्रश्न में, सतलज नदी का स्रोत है। ऑप्शन फर्स्ट में तिब्बत में, सेकंड में जम्मू कश्मीर में, थर्ड में हिमाचल प्रदेश में और फोर में उत्तर प्रदेश में। तो इलेवन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर, ठीक है, तिब्बत में। उसके बाद देख लीजिए ट्वेल्व नंबर प्रश्न में,
उड़ीसा अलग प्रांत कब बना? ऑप्शन फर्स्ट में 1911 में, सेकंड में 1905 में, थर्ड में 1936 में और फोर में 1939 में। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर, 1936 में, यानी 22 मार्च 1936 में उड़ीसा अलग प्रांत हुआ था। और बिहार और उड़ीसा था, जो कि उड़ीसा अलग प्रांत बन गया था कब? 1936 में, 22 मार्च 1936 में। उसके बाद देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न में, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर स्थित है तिब्बत में, सेकंड में जापान में, थर्ड में श्रीलंका में, फोर में इंडोनेशिया में। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया में स्थित है। तो देखिए इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन से मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, या मैं जो भी आप लोग को ई बुक तैयार कर रहे हैं आप लोग के लिए, उसमें ये सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, और आप लोग उसको भी कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से। जो लोग वो कर लेगा तो जानो को उसका 90% 80% एग्जाम में जो पेपर आएगा, प्रश्न आएगा, हल हो जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद। उसके बाद देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न में, 1857 का विद्रोह किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट में है 15 जून, सेकंड में 10 जनवरी, थर्ड में 31 अक्टूबर और फोर में है 10 मई। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर सही आंसर, 14 का फोर हो जाएगा, 10 मई को प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न में, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो 15 का हो जाएगा, 15 का कितना हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही आंसर, 8848 मीटर, जो कि ये मीटर में है। अगर हम बात करें इसकी किलो मतलब कि फीट में, तो 29,029, ठीक है, 29029, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, यानी 29,029 फीट है, फीट में अगर बोले तो, और मीटर में बोले तो थर्ड हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पोलैंड की राजधानी है? ऑप्शन फर्स्ट में कोपनहेगन, सेकंड में ओस्ले, थर्ड में प्राग और फोर में वर्षा। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर, वर्षा, पोलैंड की राजधानी वर्षा है। और देखिए यहाँ से भी प्रश्न एक नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, एमआर में राजधानी से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न में, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट में पाइरेक्स का, सेकंड में फ्लंट का, ठीक है, फ्लंट का, थर्ड में साधारण का और फोर्थ में क्रिस्टल का। तो 17 का हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ऑप्शन टू सही आंसर, ठीक है, फिनलैंड का। उसके बाद देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न में, न्यूजीलैंड में आयोजित अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2018 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला? अंकुल राय को, सेकंड में कैस अहमद को, थर्ड में जतिन जतिन परांजपे को, फोर में शुभमान गिल को। तो इसका हो जाएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन फोर सही आंसर हो जाएगा, शुभमान गिल को। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में, कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस के लेखक हैं? तो यहाँ से भी एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है लेखक से, तो लेखक से जितने भी आपके बुक में हो या कहीं पे हो, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, या जो ई बुक हम प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको सारा लेखक से सारा प्रश्न मिल जाएगा। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, भीष्म साहनी। उसके बाद देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न में, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार नहीं है? वीटो का अधिकार नहीं है, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन फोर सही आंसर हो जाएगा, जापान। उसके बाद देख लीजिए 21 नंबर प्रश्न में, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सेक्रेटरी जनरल त्रिग्वेली किस देश के थे? नॉर्वे, म्यांमार, थर्ड में ऑस्ट्रेलिया और फोर में जापान। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर, नॉर्वे, नॉर्वे देश के थे, कौन थे? प्रथम सेक्रेटरी जनरल त्रिग्वेली। तो देखिए आपको मैं बार बार बताता हूँ कि देखिए एग्जाम जो होगा एमआर में, जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम पूछा जाता है या अंतिम, जो सॉरी प्रथम पूछा जाता है, नहीं तो करंट पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, याद रखिएगा। जितने भी प्रथम है, जितने भी प्रथम आईपीएस, प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला, वही सब पूछा जाता है। मतलब एक नहीं होता है कि मान लीजिए कि हमारे देश जो भारत है इसमें सेकंड बार कौन रहे, थर्ड बार कौन रहे, ऐसा नहीं पूछा जाता, फर्स्ट और करंट पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न में, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट में कोयम्बटूर,
थर्ड में, सेकंड में जोधपुर और थर्ड में बंगलोर और फोर्थ में आगरा। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन टू, सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में स्थित है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज। उसके बाद देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का हर शिफ्ट में आएगा, ये बिल्कुल एकदम मेरे तरफ से श्योर है। एजरा कप किस खेल से संबंध है? हॉकी, पोलो, गोल्फ और फोर में कबड्डी। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन टू, सही आंसर हो जाएगा पोलो खेल से संबंधित है एजरा कप। तो कॉप एंड ट्रॉफी से एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता रहा है पूछा जाता है। उसके बाद देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न में, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो श्रीमती सन्नो देवी फर्स्ट में है, सेकंड में सीबी मुथप्पा, थर्ड में विजय लक्ष्मी पंडित और फोर्थ में सरोजनी नायडू। तो 24 का आप लोगों को सही आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, प्लीज़ एक इसका ही आप लोग को बता देना है। और मैं देखता हूँ कि कितने लोग 25 में कितना प्रश्न कर पा रहे हैं और कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग का जो भी स्कोर आएगा ना, वो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हम 25 में 20 किए, 20 से कम किए, जो भी है आप लोग का मार्क्स आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है, नीति आयोग किस तारीख से अस्तित्व में आया? तो 1 अप्रैल 2014, सेकंड में 1 अप्रैल 2015 से, थर्ड में 1 जनवरी 2015 से और फोर्थ में 1 जनवरी 2016 से। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही आंसर, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। तो ये रहा आज का 25 प्रश्न, और जो भी आप लोग का मार्क्स आएगा वो लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यही कुछ आप लोग को बताना था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।